जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल यीशु ही मसीह ब्लॉग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल विश्वास की ताकत दिखाती है बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे प्रार्थना और धैर्य से हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। यह कहानी दानियल की है जिसने कभी अपने विश्वास पर समझौता नहीं की। यह कहानी बंधुआओं ईश्वर की भक्ति की सुरक्षा की अद्भुत मिसाल है। दानियल एक यहूदी युवक थे जिन्हें बाबुल के राजा नबुकदनेज़र द्वारा उनके देश से बंदी बनाकर बाबुल लाया गया था। बाबुल के राजा ने कुछ चुने हुए यहूदी युवाओं को दरबार में सेवा के लिए प्रशिक्षित करने का आदेश दिया और दानियल भी उनमें से एक थे। दानियल ने अपने 3 दोस्तों सरदक, मेसक और अबेदनगो के साथ बाबुल के दरबार में अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पहचान बनाई। दानियल और उसके मित्रों को राजा के दरबार में शाही भोजन दिया जाता था, लेकिन उन्होंने यहूदियों के धार्मिक नियमों का पालन करते हुए खाने से मना कर दिया। उन्होंने केवल सब्जी और पानी लेने की अनुमति मांगी। परमेश्वर की कृपा से 10 दिन बाद वे शारीरिक रूप से औरों से ज्यादा स्वस्थ दिखाई दिए। राजा नबुकदनेज़र ने एक सपना देखा जिसे कोई भी समझा नहीं सका। तब दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे सपना समझने की बुद्धि मिली। उन्होंने राजा को बताया कि सपना एक महान मूर्ति के बारे में था जो विभिन्न साम्राज्यों का प्रतीक थी। राजा ने दानियल को उसके इस अद्भुत ज्ञान के लिए उच्च पद पर नियुक्त किया। दानियल के परमेश्वर में विश्वास और प्रार्थना की आदत के कारण कुछ दरबारियों ने राजा दारियावेश से दानियल को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से ऐसा कानून पारित कराया कि कोई भी व्यक्ति राजा के अलावा किसी अन्य देवता या व्यक्ति की पूजा नहीं कर सकता, लेकिन दानियल ने अपने परमेश्वर के प्रति भक्ति पर कोई कमी नहीं आने दी और प्रतिदिन अपने परमेश्वर की प्रार्थना करते रहे। इस कानून के उल्लंघन पर दानियल को सजा के रूप में सिंहों के मांद में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल सुरक्षित रहा। राजा दारियावेश ने दानियल को इस चमत्कार के बाद बाहर निकाला और उसके परमेश्वर की महानता की घोषणा की। दानियल न केवल एक नबी थे बल्कि उन्होंने भविष्यवाणियां भी की जिसमें संसार के विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन के बारे में बताया गया है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से 4 साम्राज्यों का सपना और 70 सप्ताह की भविष्यवाणी शामिल है। दानियल की कहानी परमेश्वर में विश्वास, भक्ति और प्रार्थना की ताकत का प्रतीक है। वह अपने विश्वास के कारण कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की कहानियों से प्रेरित होते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।